वहीं राजीव युवा मितान क्लब द्वारा वार्ड 16 सुपेला में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजय छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। राजीव युवा मितान क्लब बनने के बाद से विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके खेलों को नई जान मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप प्रदेश भर के स्कूलों में लंगड़ी दौड़, मटका फोड़, रिले रेस, रस्सी कसा जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में वार्ड 16 सुपेला स्थित स्कूल में स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। विजेता रहे बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित वार्ड 16 के पार्षद और MIC मेंबर केशव चौबे एवं क्लब के पदाधिकारी वासु पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब हमारे भूपेश बघेल की मंशानुसार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर जो खेल विलुप्त हो चुका था उनको पुनः उत्साहित करने के लिए यहाँ पर आयोजन हर स्कूलों में किया जा रहा है। आज हमारे वार्ड क्रमांक 16 सुपेला में भी यह आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है और हमारे युवा साथी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी इस खेल में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। आज वार्ड क्रमांक 16 सुपेला में राजीव युवा मितान की तरफ से बहुत सारे खेल के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा लंगड़ी दौड़, मटका फोड़ और रिले रेस, रस्सी कसा और लंगड़ी दौड़ का आयोजन हमारे युवा मितान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे युवा साथी सभी ने मिलकर यहाँ भाग लिया है। और यह छत्तीसगढ़ शासन की योजना है राजीव युवा मितान क्लब, जो कि सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इससे बच्चों को, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा जैसे खेल फुगड़ी बिल्लस ये सब परंपरा जो छत्तीसगढ़ की विलुप्त हो गई थी, इसको उजागर करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया। और ये राजीव युवा मितान क्लब जो है कि सभी अपने अपने वार्ड स्तर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहरहाल इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी काफी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।